आजकल डेस्क जॉब के बढ़ते चलन के कारण हमें दिन भर कुर्सी पर बैठकर काम करना पड़ता है। इसकी वजह से लोगों में गर्दन और पीठ में दर्द की समस्या बढ़ती जा रही है। अक्सर हम गर्दन के दर्द को मामूली दर्द समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह समय के साथ गंभीर हो सकता है। लंबे समय तक होने वाले गर्दन का दर्द सर्वाइकल पेन भी हो सकता है। बैठने का गलत तरीका या ज़्यादातर देर तक झुककर काम करना इस समस्या का मुख्य कारण है। दोस्तों, गर्दन के हिस्से वाली रीढ़ की हड्डी के जोड़ों और डिस्क में समस्या होने से सर्वाइकल पेन की समस्या होती है। सर्वाइकल पेन के कारण गर्दन के निचले हिस्से और सिर में दर्द रहता है और गर्दन में सूजन भी आ जाती है। सर्वाइकल की समस्याओं में आप डॉक्टर की सलाह लेते हैं। इसके अलावा आप कुछ घरेलू उपाय करके भी इस समस्या से निजात पा सकते हैं। तो अब बात करेंगे उन घरेलू उपायों की जिनकी सहायता से आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखते रहिए। दोस्तों, अगर आप सर्वाइकल पेन से परेशान हैं तो प्रभावित हिस्से की बर्फ़ से सिकाई करें। इसके लिए एक तौलिए में कुछ बर्फ़ के टुकड़े डालकर इससे अपनी गर्दन की सिकाई करें। ऐसा करने से आपका दर्द और सूजन से जल्द आराम मिल जाएगा। सर्वाइकल के दर्द में तिल के तेल से मालिश करने में भी फ़ायदा होता है। तिल में भरपूर मात्रा में कॉपर, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन डी और जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं जो सर्वाइकल के दर्द और सूजन से निजात दिलाते हैं। इसके लिए तिल के तेल को हल्का गुनगुना करके रोजाना इससे अपने गर्दन की मालिश करें। ऐसा करने से आपको दर्द से राहत मिल जाएगी। सर्वाइकल पेन में छुटकारा पाने के लिए हल्दी बहुत फ़ायदेमंद है। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो सूजन और दर्द से राहत दिलाते हैं। सर्वाइकल के दर्द से परेशान हैं तो एक गिलास दूध में अब हल्दी डालकर गर्म कर लें और जब दूध ठंडा हो जाए तो इसमें शहद मिलाकर उसका सेवन करें। लहसुन भी सर्वाइकल पेन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और विटामिन सी आदि तत्व होते हैं जो दर्द से आराम दिलाते हैं। इसके लिए रोजाना सुबह 2 कली लहसुन को पानी के साथ लेनी है। इसके अलावा आप सरसों के तेल में 6 से 7 लहसुन की कली डालकर गर्म करें और इसके बाद इसे छान लें। इस तेल से रोजाना मालिश करने से भी फ़ायदा होगा। सर्वाइकल की समस्या में गुनगुने पानी से भी नहाना चाहिए क्योंकि इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। इसके अलावा दर्द वाले हिस्से पर हॉट वाटर बोतल से सिकाई भी कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको दर्द से जल्द राहत मिलेगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ घरेलू उपाय जो सर्वाइकल पेन से आपको छुटकारा दिला सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।